मैंने जितने रोल्स किए हैं, मैं थोड़ा सा मेथड एक्टिंग में बिलीव करता हूँ, तो मोदी जी पे जब रिसर्च करने लगे, इतनी कमाल की उनकी कहानी निकल आई कि एक सोचिए, एक बच्चा जो स्टेशन पे चाय बेचा करता था, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। सब जानते हैं कि वो चाय वाले थे और प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके बीच का रास्ता कैसे उन्होंने नापा, कैसे वो वहाँ से, उस गरीब घर से वहाँ तक पहुँचे। कोई ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड की एजुकेशन नहीं, कोई IIT या MIT की एजुकेशन नहीं, फिर भी आज वो विश्व स्तर पे एक लीडर हैं। ग्लोबल सोलर अलायंस को, टेक्नोलॉजी वाली बात को वो आगे ले जा रहे हैं। तो ये जो कहानी है उनकी, ये जो जर्नी है, जब वो छोटे थे तो उनको क्या प्रेरणा मिली, जब वो बड़े हुए तो युवा की उम्र में वो सन्यासी क्यों बन गए थे, इतनी यंग एज में सन्यासी बन के वापस क्यों आए, वापस आने के बाद संघ कैसे ज्वाइन किया, RSS ज्वाइन करने के बाद पॉलिटिक्स में कैसे उतरे, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान वो सरदार की वेशभूषा में दिल्ली में क्या कर रहे थे, बहुत सारी फैसिनेटिंग जो जर्नी रही है, इसके आंसर्स आपको फिल्म में ज़रूर दिखेंगे। कहने की फिल्म को पहले रिलीज होना चाहिए था, काफ़ी अटकलें लगी, उसके बारे में क्या कहना, कहीं नुकसान भी हो सकता है। यही कह सकता हूँ कि जैसे मोदी जी के खिलाफ एक महागठबंधन, एक महामिलावट खड़ा था, वैसे ही हमारी इस नन्ही सी पिक्चर के खिलाफ भी एक महागठबंधन, एक महामिलावट खड़ा था। हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने लगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी फिल्म के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया। और ये जो होता है जनरली, जब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, इतने बड़े बड़े पार्टीज, बड़े बड़े नेता रिएक्ट करते हैं, बोलते रोको कोई फिल्म को रोको, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो डरते हैं। डरता वो है जिसको लगता है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। तो मुझे लगता है अब भारत काम मांग रहा है। देखिए, एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक समझदार ऑपोजिशन का होना भी ज़रूरी है। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स से कि अब आप लोग थोड़ा सा मोदी जी को कम हेट कीजिए और भारत को ज़्यादा प्यार कीजिए। थोड़ा अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी ज़रा फोकस कीजिए कि देश को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। नहीं भाई, 2004 में जब मैं सुनामी पर काफ़ी काम कर रहा था दक्षिण भारत में, तब मुझे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट ऑफर हुआ गया। और 2004 से लेके 19 तक 5 बार इंक्लूडिंग अ बाई इलेक्शन मुझे टिकट ऑफर किया गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि MP क्यों बनना जब आप PM बन सकते हैं स्क्रीन पर।